स डियर स्टूडेंट माई सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा ऑन माई चैनल जानकारी हित वॉन्स अगेन विद यू विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी आप सबको पता है इस चैनल पर जो जानकारी चैनल है इस पर लगातार हिंग्लिश और पिंगलिश हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश पिंग्लिश पंजाबी प्लस इंग्लिश इसका एक कॉम्बो बनाकर लगातार वीडियोस आ रही हैं। आज मैं आपके सामने जो अकाउंटेंसी की सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जर्नल के बनता है लेजर, उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूं लेजर का मतलब क्या है इसका परफॉर्मा क्या है लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग क्या होती है इस सब के बारे में बात करेंगे लेट्स मूव हेड विद मी विद टूडेज कॉन्टेंट स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न वैजर पहले ये पढ़ते हैं जो लिखा है फिर बताता हूं मैं आपको एक एक बात कि इसका मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करो लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग ये जनरल के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट बुक कोई है वो है लेजर इट कॉन्टेन्स रिकॉर्ड ऑफ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस की ट्रांजेक्शन तो जर्नल में भी थी पर वहां क्लासिफाइड नहीं थी वर्गीकरण करके उनको नहीं लिखा जाता था पर लेजर जो जो किसी भी ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट कंटेन करती है उनको क्लासिफाइड रूप में बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है डिपेंड्स ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन लेजर कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स अंडर पर्टिकुलर यस बिजनेस की जितनी जितनी ट्रांजेक्शन में जितने टाइप के भी अकाउंट आते हैं उन सभी टाइप के अकाउंट को एक हेड बनाकर एक हेडिंग देकर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक जगह पर क्लासिफाइड कर कर लिखा जाता है जैसे कैश की इंफॉर्मेशन के बिजनेस में कैश की क्या पोजीशन थी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान तो कैश अकाउंट परचेज की क्या पोजीशन है तो परचेज अकाउंट सेल बैंक अकाउंट फर्नीचर अकाउंट एंड ऑल टाइप ऑफ अकाउंट जितने भी हम अकाउंट करते हैं उन सबको क्लासिफाइड रूप में हर टाइप की इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर लेजर में क्लासिफाइड करके लिखा जाता है लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट इज ड्यूली मैं बता चुका हूं हर ट्रांजेक्शन को अपने अकाउंट में हिस्सा मिल जाता है जी जैसे मान लो एक जर्नल एंट्री है एक एग्जांपल ले रहा हूँ फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू तो कैश तो जो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया उसका फर्नीचर अकाउंट होगा जो कैश अकाउंट क्रेडिट किया तो कैश अकाउंट बनेगा बिजनेस में जहां जहां भी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान फर्नीचर और कैश से रिलेटेड एंट्री होगी तो उसी अकाउंट में आएगी ये ध्यान रखना लेजर इज द प्रिंसिपल बुक विच गिव्स कंसॉलिडेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट फॉर अ गिवन पीरियड मैं बता चुका हूं एक प्रिंसिपल बुक है ये इसमें हर एक अकाउंट की एक कंबाइंड एक समराइज जो इंफॉर्मेशन है एक ही जगह पर मिल जाती है इट इज द बेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट डियर स्टूडेंट्स लेजर के बाद आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस तो जरूर बनते हैं बुक्स में लेकिन जो फाइनल अकाउंट का जो बेस होता है वो क्या होते हैं लेजर एज जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री लेजर इज द बुक ऑफ फाइनल एंट्री ये ध्यान रखना यस नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लेजर इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट तो नहीं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए जो टाइप्स ऑफ लेजर हैं वो तीन टाइप के हैं जिसको बोला सेल्स लेजर और डेटर्स लेजर बोलते हैं इसको सेल्स लेजर इज लेजर विच कंपनी मेंटेन ट्रांजैक्शन ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स सर्विसेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स यस सेल लेजर में सारी सेल दिखाई जाती है सीधी बात ये है जो पर वो सारे के सारे जो सेल्स से रिलेटेड हैं गुड्स और सर्विसेज के कोई भी जो टाइप की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स वस्तुओं को जो कस्टमर को बेचा जाता है वो सब कुछ सेल्स लाइज होते हैं परचेज लेजर में तो साफ पता चल गया परचेज लेजर इज इन कंपनी ऑर्गेनाइज द ऑफ ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट्स और गुड्स फ्रॉम अदर बिजनेस दूसरे बिजनेस से जो परचेज करते हैं उससे रिलेटेड जो लेजर बनते हैं वो परचेज लेजर एक बार ध्यान रखो इसको क्रेडिटर लाइजर भी नाम दिया जाता है कुछ बुक्स में नेक्स्ट है जर्नल लेजर सेल और परचेज को छोड़कर बाकी सब जर्नल है ला, कहलाते हैं जर्नलाइजर की भी दो टाइप लेजर। लेजर है इनकम डेप्रिशिएशन इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा सीधी बात हैल अकाउंट में हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं लॉस की बात करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन जिसमें क्या क्या आते हैं एक्सपेंसेस इनकम डेप्रीशियशन इंश्योरेंस टाइप के सब के सब जो जर्नलाइजर का पार्ट है वो नॉमिनल कहलाते हैं प्राइवेट लेजर में क्या आते हैं गिव्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन बिजनेस की जो अपनी इंटरनल निजी है जस्ट लाइक सैलरी वेजेस जो वहां पर काम करने वाले वर्कर्स एम्प्लाइज को दी जाती है कैपिटल जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो सब के सब जो होते हैं वो होते हैं प्राइवेट लेजर ये दोनों नॉमिनल और प्राइवेट लाइजर जर्नलाइजर का पार्ट है डियर क्लियर फॉर्मा ऑफ लेजर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको सीखते हैं आज जैसे जर्नल का हमने परफॉर्मा किया जब जर्नल किया था तो लेजर का परफॉर्मा ध्यान रखो सबसे पहले इसके टॉप पे देखो नेम ऑफ द लेजर अकाउंट कैश अकाउंट बैंक अकाउंट मिशीरी अकाउंट जो भी अकाउंट होगा बिजनेस की ट्रांजेक्शन से इफेक्टेड उतने ही अकाउंट बनेंगे ठीक यहां पर उस अकाउंट का नाम आ जाएगा फिर एक बार ध्यान रखो इसकी दो साइड्स हैं अगर टोटल लेजर एक शीट पर बना हुआ है तो इसको मान लो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कर दो भी आधा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी डेबिट साइड कहलाती है जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट साइड दोनों साइड सेम कॉलम आएंगे डेट ट्रांजेक्शन की डेट के लिए पर्टिकुलर उसकी विवरण के लिए जर्नल फॉलो जहां से लेजर एंट्री की पोस्टिंग के लिए जर्नल एंट्री ली गई है उस जर्नल की बुक का पेज नंबर जनरल फॉलियो में लिखा जाता है जैसे आपको याद होगा कि जर्नल बनाते हुए पर पर लिखा हुआ था। तो और जहां से लेजर की पोस्टिंग हो रही है, जर्नल एंट्री को देखकर जर्नल का पेज नंबर यहां पर लिखा जाता है अमाउंट क्लियर इसी तरह से राइट हैंड साइड पे डेट पर्टिकुलर जर्नल फॉल्यो एंड अमाउंट ये क्रेडिट साइड है क्लियर हो गया नेक्स्ट वन हमें पता है अब ये बातें तो सबसे पहले करना क्या है स्टेप्स क्या है अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया लोकेट इन द लेजर द फर्स्ट अकाउंट नेम्ड इन द जर्नल हमने जर्नल एंट्री स्टडी की उसका जो पहला अकाउंट है उसके नाम से उस अकाउंट को लोकेट ढूंढकर यहां पर उसका लेजर अकाउंट बना देंगे जितने जितनी जर्नल एंट्रीज में जितने जितने अकाउंट आ जाएंगे उतने बनते जाएंगे एक बात और रखना एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जब कोई लेजर अकाउंट बनाते है, अगर हैं अगर कैश से रिलेटेड 40 एंट्रीज हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हम 40 कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे कैश अकाउंट एक ही बनेगा मशीनरी अकाउंट एक ही बनेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ये ध्यान रखना नेक्स्ट राइट डेट ऑफ दशन इन कॉलम ये हमें पता है डेट कॉलम में लेफ्ट या राइट जहां भी लिखें डेट लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब मैं बताने वाला हूं एंटर द डेबिट साइड ऑफ लेजर इन कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड प्रीफिक्स टू मान लो जो अकाउंट हमने बनाया है लेजर उसका उससे रिलेटेड मान लो इस अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में दिखाने के लिए हम टू का यूज करते हैं टू के साथ क्या लिखते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं क्रेडिट साइड में कोई भी पोस्टिंग करते हुए प्रेपोजिशन बाय यूज होती है ये ध्यान रखना समझ लगा उस अकाउंट के नाम से पहले टू डेबिट डेबिट साइड पर और बाय का यूज होता है एज ए प्रीफिक्स अकाउंट के नाम से पहले क्रेडिट साइड पर यहां पर अकाउंट कौन सा होता है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं जस्ट मूव हेड विद मी यस

लेजर जहां ये कैश अकाउंट जहां पर लेजर में कैश अकाउंट बना होगा उसका पेज नंबर 15 होगा और यहां कैपिटल अकाउंट बना होगा उसका पेज नंबर जो लेजर बुक है उसमें 11 होगा ये वो पेज नंबर है लेजर फॉल्यो ओके ऐसे ही जब लेजर पोस्टिंग होती है उसमें जे एफ होता है मान लो ये वाला पेज नंबर वन है तो वहां पर जे एफ में क्या लिखेंगे वन मान लो ये टू होता तो टू लिखेंगे ओके okay. उसको छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन समझ लगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल मैंने बताया था कि सबसे पहले जर्नल एंट्री में अकाउंट ढूंढो कौन कौन से हैं सबसे पहले कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में दिख रहा है कैश अकाउंट डेबिट तो अब सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कैसे करना है कैश अकाउंट डेबिट है जर्नल एंट्री में तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी और टू के साथ होगी और यहां पर वो अकाउंट लिखा जाएगा जो कैश के कारण ये तो डेबिट है जो कैश के कारण क्रेडिट हुआ वो कौन सा है अभी कैपिटल अकाउंट कैश पर जो डेबिट हुआ है उस पर क्रेडिट वाले कौन से अकाउंट का इफेक्ट है वो यहां पर अकाउंट का नाम आएगा जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल था तो यहां पर कैपिटल अकाउंट आ गया दूसरा अकाउंट जर्नल एंट्री में देखो कैश अकाउंट तो हमने बना लिया वो है कैपिटल अकाउंट तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया कैपिटल अकाउंट क्योंकि जनरल में क्रेडिट है तो इसकी क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगी ये ढूंढने के लिए कि डेबिट साइड पर होनी है या क्रेडिट साइड पर हमें यह देखना होगा कि जर्नल एंट्री करते समय वो अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पर और पोस्टिंग कैसे होगी बाय के साथ कैपिटल पर असर किसका क्योंकि कैपिटल क्रेडिट है तो इसका इफेक्ट डेबिट वाले अकाउंट का होगा डेबिट वाला अकाउंट कौन सा है कैश बाय कैश अकाउंट क्लियर हो गया ध्यान से डियर स्टूडेंट जिस अकाउंट का लेजर अकाउंट बना रहे हैं जर्नल एंट्री देख के उतने अकाउंट बनाओ फिर देखना है कि वो अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट अगर जैसे कैश अकाउंट है डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर हमने पोस्टिंग की ये ध्यान रखना जर्नल में जब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं वो एंट्री होती है जब लेजर में कुछ रिकॉर्ड करते हैं वो पोस्टिंग कहते हैं जर्नल एंट्री की पोस्टिंग क्लियर ऐसे ही जिस अकाउंट को क्रेडिट किया तो उस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड में जब अकाउंट में लिखते हैं तो डेबिट वाले अकाउंट का इफेक्ट दिखाते हैं जब जो अकाउंट डेबिट हुआ उसमें डेबिट साइड पर पोस्टिंग करते हुए जो अकाउंट क्रेडिट ने उसको इफेक्ट किया वो नाम दिखाते हैं जैसे कैश पर कैपिटल का असर कैपिटल पर कैश का क्लियर नेक्स्ट वन पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग जर्नल एंट्री ओपनिंग जनल एंट्री क्या होती है हमें पता होना चाहिए आपको आगे आगे जैसे हम सीखेंगे लेज़र के बैलेंस निकालना आपको पता होगा कि हर बिजनेस के एंड पीरियड में सारा बिजनेस कभी बंद नहीं होता बहुत से अकाउंट के बैलेंस आगे फॉरवर्ड करते हैं वो चलते रहते हैं जैसे जैसे हर साल हर महीने चलते रहते हैं तो उन बैलेंसेस के साथ जो

जो आउटपुट जीएसटी होता है वो बिजनेस ने देना है भी गवर्नमेंट को बाहर जाना है बिजनेस से वो ध्यान रखना तो वो लाइबिलिटी के रूप में होते हैं ध्यान रखा इस बात को हाँ जी अकाउंट भी डेबिट इनपुट अकाउंट आई जी एस टी अकाउंट भी डेबिट ये सारे हमने डेबिट किए अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं लाइबिलिटी है टू क्रेडिटर अकाउंट ये क्रेडिट कर दिया फिर हमने टोटल किया सारी एसेट्स का टोटल जो है वो आ रहा है इस टाइम ध्यान से देखो वन लैख टेन थाउजेंड अगर हम रफली इसका एक वर्किंग नोट बना के चेक करें तो आता है वन लैख टेन थाउजेंड और जो हमारे पास क्रेडिटर है वो है फिफ्टी थाउजेंड तो जो बैलेंस है ये वाला सिक्सटी थाउजेंड वन लैख टेन थाउजेंड में से फिफ्टी थाउजेंड माइनस की सिक्सटी थाउजेंड वो क्या जाएगा कैपिटल अकाउंट को ये ओपनिंग जनरल एंट्री आपको पता है क्लियर अब हमने करनी है पोस्टिंग इस जर्नल एंट्री में जो हमने ओपनिंग पास किया, इसमें कितने अकाउंट बने कैश डाटा स्टॉक इनपुट के तीन प्लांट क्रेडिट, कैपिटल ये बन गए भी सात दो नो अकाउंट तो हम नो लेजर अकाउंट बनाएंगे अब देर शुड नाइन लेजर अकाउंट कैश अकाउंट अब हमने सीखना है कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है जो ओपनिंग जनरल एंट्री में होती है कैश अकाउंट ये बैलेंस है ये जनरल एंट्री नहीं है पिछले बैलेंस आगे लेकर आए हैं किसी डेट की शुरुआत में मान लो थर्टी जून के ये बैलेंस थे फर्स्ट जुलाई को वही ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे ये सारे ओपनिंग बैलेंस हैं जो जो हमने ओपनिंग जनरल एंट्री में डाले हैं तो ध्यान रखो जितने अकाउंट को डेबिट किया जाता है उन सबके डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्राउट डाउन बैलेंस आगे लेकर आए कहां से लेकर आए जैसे ये फर्स्ट जुलाई को है तो तीस जून का बैलेंस क्लोजिंग था अब एक जुलाई को क्या बन गया वही ओपनिंग तभी तो ओपनिंग जनरल क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड पर उसके बाद डेटर स्टॉक इनपुट जीएसटी ये सारे जीएसटी प्लांट क्राइडर कैपिटल इसका क्या करना है ध्यान से ये देखो डेटर्स अकाउंट वो भी डेबिट था टू बैलेंस डाउन फर्स्ट जुलाई को जितना अमाउंट था फोर्टी थाउजेंड स्टोक अकाउंट वो भी डेबिट है टू बैलेंस ब्रोड डाउन डेबिट साइड पर ट्वेंटी थाउजेंड इनपुट सी जी एस टी टू बैलेंस ब्रोड डाउन फोर थाउजेंड इनपुट एस जी एस टी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन फोर थाउजेंड ये सारे डेबिट थे ना बाकी इनपुट आई जी एस टी ये भी डेबिट था टू बैलेंस ब्रोड डाउन ब्रॉड डाउन मतलब आगे लेकर आए तीस जून से एक जुलाई को थर्टी फर्स्ट दिसंबर से एक जनवरी को ऐसे तो टू थाउजेंड आगे प्लांट अकाउंट बिजनेस की एसेट है डेबिट बैलेंस टू बैलेंस डाउन अब दो अकाउंट हमने क्रेडिट किए थे बैलेंस ब्रोड डाउन जिसमें क्रेडिटर फिफ्टी थाउजेंड थे कैपिटल अकाउंट बनाया तो बायेंस सिक्सटी थाउजेंड ये बैलेंस जो आया था बैलेंसिंग फिगर के रूप में वो आ गया यहाँ पर क्लियर हो गए जी ये है ओपनिंग जर्नल एंट्री में बैलेंसेस को कैसे पोस्ट करना लेजर अकाउंट में ओपनिंग जर्नल एंट्री से बैलेंस लिए और सभी के लेजर अकाउंट बनाकर उनमें पोस्ट कर दिया डेबिट या क्रेडिट देखकर नेक्स्ट वन पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री सबसे पहले कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है ध्यान रखो आमतौर पर एक जर्नल एंट्री में दो अकाउंट होते हैं वेन एवर देर आर मोर देन थ्री और मोर देन थ्री अकाउंट इन सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन इज नॉन एज कंपाउंड जर्नल एंट्री जब किसी अकाउंट में तीन या तीन जब किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के कारण तीन या तीन से ज्यादा अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री एग्जाम्पल लेते हैं रेंट रुपीज वन थाउजेंड सैलरी रुपीज टू थाउजेंड पेड मान लो ये डिफरेंट एंट्रीज होती तो ये कंपाउंड नहीं थी रेंट पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश सैलरी पेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश पर ये तो कंबाइंड है एक ही एंट्री है ये सारी तो ये कंपाउंड एंट्री होगी क्योंकि तीन अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं रेंट सैलरी एंड कैश रेंट बिजनेस का एक्सपेंसिज है सारे एक्सपेंसिज क्या होते हैं डेबिट सैलरी भी डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट कैश बिजनेस से गया टू कैश क्रेडिट अब तीन अकाउंट इफेक्टेड हुए भी रेंट सैलरी एंड कैश तो हमने तीन अकाउंट बना लिए रेंट अकाउंट सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट तीनों लेजर अकाउंट बना लिए सबसे पहले अब पोस्टिंग कैसे करनी है जर्न एंट्री को देखो रेंट अकाउंट को डेबिट तो रेंट की डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी इफेक्ट किसका बढ़ाएगा क्रेडिट वाले का क्रेडिट कितने कैश टू कैश सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहां पर होती है ध्यान रखो यहां पर लिखा हुआ है वन अगर जर्नल एंट्री में देखें तो कैश तो थ्री थाउजेंड था यस डियर स्टूडेंट इसको ध्यान से मेरी बात सुनो हमने रेंट पर कैश का इंपैक्ट देखना है ना कि टोटल कैश का रेंट तो सिर्फ वन थाउजेंड ही है ना वन थाउजेंड कैश गया ड्यू टू रेंट तो यहां पर अमाउंट रेंट वाला आएगा जिस कारण रेंट वाला कैश है जो इफेक्टेड हुए सेकेंड इसी तरह से सैलरी अकाउंट जनरल एंट्री में देखो डेबिट है तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट ओके अमाउंट कौन सा आएगा सैलरी वाला टू थाउजेंड अब तीसरा अकाउंट कौन सा हो गया कैश अकाउंट कैश अकाउंट को क्या किया गया क्रेडिट तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएंगे कौन से डेबिट वाला अकाउंट पर डेबिट वाले एक नहीं दो हैं तो दोनों आएंगे बाय रेंट बाय सैलरी रेंट वन थाउजेंड सैलरी टू थाउजेंड इस ढंग से कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग करते हैं भाई ध्यान रखना क्लियर नेक्स्ट वन सो स्टूडेंट्स आज आपने ये सारा लेजर पोस्टिंग का प्रोसेस देखा ये वीडियो नंबर ट्वेंटी टू है आपको बताऊं सभी वीडियोस हिंदी और पंजाबी के डिफरेंट रूप में हर वीडियो के दो दो रूप हैं तो कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूं अगर आपको क्वेश्चन का कोई हिस्सा आज की वीडियो का कोई हिस्सा क्लियर नहीं है वीडियो के उस हिस्से में जाएं दोबारा देखें और जब भी सीखना हो शुरू से एंड तक लास्ट कंटेंट तक वीडियो को देखें तभी समझ आएगा रास्ते आसान बनेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ लेजर पोस्टिंग का लेकर आने वाला हूँ उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं ऑलरेडी बहुत से वीडियो इकोनॉमिक्स के कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के और मोटिवेशन वीडियोस मेरे इस चैनल पर हैं उनको देखें नयो का जो नए वीडियो आने वाले हैं उनका इंतजार कीजिए तब तक थैंक यू वेरी मच